रहमान रहीम। आज वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब और यहाँ के सूबाई वज़रा से तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यिद उलमाए किराम की मुलाकात हुई। इसमें इत्तेफाक़ किया गया कि 18 अप्रैल को वफाक के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, हम सब हुस्न ज़न रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक मुत्तफ़क़ अलैह फार्मूला तैयार हो जाएगा जिस पर उलमा भी इत्तेफाक करेंगे और हुकूमत भी उसकी पाबंदी करेगी इंशाअल्लाह। कल की जुमतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा किराम खुतबा एज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्म मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए और जो कल नमाज़ जुमा में शरीक हों वो सब खुशु व खुजू से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हफ्ते को जो इजलास मुनाक़िद होने जा रहा है उसमें एक बाहमी अतिमाद की फ़ज़ा में एक फार्मूले पर सबका इत्तेफाक हो जाए। ये हमारे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, हकूमत के लिए, तमाम सूबों के लिए और हमारे दीन के लिए, मिल्लत के लिए खैर की बात होगी, आफियत की बात होगी, सलामती की बात होगी। हम सब से ताउन की उम्मीद करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।